की शुरुआत में हमें लिंफी के एक दोस्त जी फाई को दिखाया जाता है। वो उन लोगों के हेडक्वार्टर में होता है और उसकी कहानी सुनने के बाद शवनन कहता है कि हम लोग इसकी स्टोरी पे बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि ये जिस तरह की बातें बता रहा है तो ऐसा लग रहा है कि शायद इसने नंडोरा डीमन स्नेक को देखा है। भले ही वो सिर्फ 10th लेवल का स्नेक है, मगर उसके बावजूद भी वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। वो अपनी बॉडीज को ह्यूमंस के अंदर बहुत ही तेजी के साथ फैला सकता है। उसके अंदर ऐसी पावर है कि वो अपनी विजन पावर के जरिए ही किसी भी को अपने कंट्रोल में कर सकता है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस लड़के की गर्लफ्रेंड शाओयान वही रियल डीमन स्नेक है। ये सुनकर यीफाई थोड़ा सा डर जाता है और फिर शाओनन कहता है कि हमें उस स्कूल में जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी और देखना होगा कि कितने लोग इन्फेक्ट हुए हैं, मगर हमें इस बात को भी इंश्योर करना होगा कि स्टूडेंट्स को स्नेक से बचाया जा सके। और अच्छी बात ये है कि हमारे 3 एविल क्रोज ने किसी तरह की कोई भी नोइज नहीं की। तो एविल क्रोज का सुनकर लिंफी कहता है कि ये किस तरह की बातें कर रहा है। तो होंग जी उसे बताती है कि हमारे पास ऐसे एविल क्रोज हैं जो कि किसी भी खतरे को भांप लेते हैं और पहले से ही हमें अलर्ट कर देते हैं कि बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। मगर फिर शाओनन कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, हम लोग बहुत ही जल्दी अपना काम शुरू करने वाले हैं। इससे पहले कि वो पूरा का पूरा स्कूल ही डीमन स्नेक में कन्वर्ट हो जाए, हमें उन स्नेक्स को रोकना है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं और ये फाइल लिंफी से कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया है। ये सच में बहुत ही अमेजिंग है, हमें लगा था कि शायद तुमने आर्मी को ज्वाइन किया है, मगर तुम एक ऑर्गेनाइजेशन में हो। और फिर वहाँ पे मौजूद लोग लिंफी से कहते हैं कि क्या तुमने सुना, ये आवाज वही थी। इतने में हमें दिखाया जाता है कि वो उसके सामने वही मैजिक बेल बजाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से फौरन से अपने घर चले जाओ। ये कहने के बाद हम लोग फ्लैशबैक से बाहर आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि उन लोगों ने इस लड़के से जान छुड़ाने के लिए बेल बजाई थी, मगर इस पर उसका कोई असर नहीं हुआ और वो कंटिन्यूसली लिंफी के सामने बड़बड़ाता ही जा रहा होता है। और वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें दोबारा देख पा रहा हूँ, मुझे लगा कि शायद आर्मी में जाने के बाद तुम कई साल के बाद ही नजर आओगे। और मुझे बताओ कि आखिर ये तुम लोगों ने किस तरह के ब्लैक बॉक्स अपनी भीड़ के साथ लटका आए हुए हैं और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, क्या मैं भी उसे ज्वाइन कर सकता हूँ। इतने में वो लोग उस स्कूल के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो जाते हैं। यीफाई कहता है कि जब मैं स्कूल वैसे ही दरवाजे से जा सकता हूँ तो फिर मुझे यहाँ से जाने की क्या जरूरत है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि दो वाच नाइट पहले ही दीवार कूद कर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद लिंफी वो भी भागते हुए उस दीवार पर कूद कर उसके दूसरी तरफ चला जाता है। ये देखते ही वो लड़का भी हैरान हो जाता है और वो लिंफी के पीछे जाने के लिए वो भी उस दीवार पर कूद जाता है, मगर क्योंकि उसके पास किसी तरह की कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं थी तो उसे मालूम नहीं था कि दीवार पर किस तरह चढ़ा जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस स्कूल के चारों तरफ रिस्ट्रिक्शन स्पेल्स लगा देते हैं ताकि वो लोग उस स्कूल को पूरी तरह से आइसोलेट कर दें। और दूसरी तरफ चीफ चाउना दोनों ही उन लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। इतने में फिर वहाँ पर यीफाई भी आ जाता है तो वो देखता है कि वो लोग उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें कर रहे हैं, जिस पर वो उनसे कहता है कि मैं उसे लाइक नहीं करता, तुम लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। तो लिंफी कहता है कि क्या वाकई में तुम उसे लाइक नहीं करते। ये कहने के बाद वो उसके फौरन से पास आ जाता है और उसे बताता है कि क्लास में वो हमेशा लिंफी के बराबर में बैठकर उस लड़की को ही घूरता रहता था, यहाँ तक कि वो लिंफी के साथ कहीं भी जाता था तो जब उसकी नजर उस लड़की पर पड़ती थी तो वो उसके प्यार में खो जाता था। जिसके बाद लिंफी उससे कहता है कि हुई और शाओयान वो दोनों ही रूम नंबर 405 में होते हैं। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोंग ऊपर से अपने स्नाइपर गन के साथ उन लोगों पर नजर रख रहा होता है कि कौन किस जगह मौजूद है। और इस तरफ हमें चीफ को दिखाया जाता है, वो ली शाओयान के घर में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उस स्कूल में सारे स्टूडेंट्स अपनी क्लास अटेंड कर रहे होते हैं और लिंफी अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करता है तो उसे दिखाई देता है कि शाओयान के बराबर में दो डीमन स्नेक गर्ल्स बैठी हुई है। वो फौरन से कैप्टन को बताता है कि मैं अपने विजुअल परसेप्शन से देख पा रहा हूँ कि शाओयान के बराबर में दो स्नेक गर्ल्स मौजूद हैं। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा है कि वो डीमन स्नेक की डिसेंडेंट बन चुकी हैं। ये सुनकर ली कहता है कि तुम तो कमाल के हो, तुम्हारी इस एबिलिटी के जरिए हम लोग बहुत ही आसानी के साथ सारे डीमंस को पकड़ लेंगे। मगर लिंफी उन लोगों को बताता है कि शाओयान वो मुझे इन्फेक्टेड नहीं लग रही। तो कैप्टन कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर
कोशिश करो किसी को हमारे बारे में पता ना चले। जितना जल्दी हो सके उस इन्फेक्शन के बारे में स्टडी करना शुरू करो और पता लगाओ कि वो कैसे फैल रहा है। ये कहने के बाद वो लोग ली शाओयान के घर पे जाते हैं और उसका दरवाजा खटखटाते हैं। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सारे ही स्टूडेंट्स एक प्ले ग्राउंड में मौजूद होते हैं क्योंकि स्कूल में अभी ब्रेक का टाइम था और सब लोग यहाँ वहाँ घूम फिर रहे होते हैं। और लिनफी लोगों के बीच जाते ही अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए डिटेक्ट करने की कोशिश करता है कि कौन कौन से लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि होंग जी शाओ को लेकर रूम नंबर 405 की तरफ जा रही होती है। वो लोग देखते हैं कि उस रूम का दरवाजा तो खुला हुआ है। वो लोग फौरन से उस रूम के अंदर आ जाते हैं। उस रूम को देखते हैं तो वहाँ पे हर जगह लड़कियों के कपड़े लटके हुए होते हैं और बहुत ज्यादा स्मेल भी आ रही होती है। जिस पर होम जी कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे लड़कियों के रूम को चेक करते हुए बहुत ही अजीब सा फील होता है। और फिर वो ली शाओ कहती है कि इसे लग रहा है कि शाओयान वो इन्फेक्टेड नहीं है, ना ही उसके अंदर रियल बॉडी है। मगर अचानक वो वहाँ पे देखती है कि बहुत सारे ह्यूमन स्किन्स लटके हुए होते हैं जिन्हें देखकर वो लोग भी काफी हैरान होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन एक लेडी से कहता है कि क्या ये घर लियू शाओयान का है, तो वो कहती है कि हाँ। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से उसके फोरहेड पे एक फायर करते हैं जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से वो डीमन स्नेक बाहर निकल आता है। देखकर अंदर बैठा हुआ ओल्ड मैन भी हैरान हो जाता है क्योंकि कैप्टन ने अपनी सोर्ड अटैक के साथ एक ही झटके में उस डीमन के दो टुकड़े कर दिए थे। और दूसरी तरफ फिर शाओनान उस ओल्ड मैन की तरफ जाता है और अपनी गन उसकी तरफ सीधी करता है और उस पर भी फायर कर देता है जिसकी वजह से वो बंदा बेहोश हो जाता है। और कैप्टन फिर लिनफी से कॉन्टेक्ट करता है और कहता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लिनफी उस प्ले ग्राउंड में एक फ्लैग लेकर घूम रहा होता है और साथ में वो अपनी आई पावर का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को डिटेक्ट भी कर रहा होता है कि इस ग्राउंड में कितने लोग इन्फेक्टेड हैं। उसे पता चलता है कि हर रो में बहुत सारे लोग हैं जो कि इन्फेक्ट हो चुके हैं, जिस पर लिनफी काफी हैरान होता है और वो कहता है कि लगता है कि ये डीमन बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पे लोगों को इन्फेक्ट करता जा रहा है। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ली शाओ और होंग जी उन तीन लड़कियों को ढूंढ लेते हैं और दूसरी तरफ एक बंदा एक बाइक में चिल्लाते हुए लिनफी से कह रहा होता है कि सुनो बच्चे, तुम वो फ्लैग लेकर गलत डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो। मगर लिनफी उनकी बातें सुनने के बजाय अपना काम करने में बिजी रहता है और उन लोगों को आइडेंटिफाई करता रहता है और कहता है कि अगर इनमें से एक भी बंदा भाग कर यहाँ से बाहर निकल गया तो वो पूरे के पूरे शहर को ही इन्फेक्ट कर देगा। और इस तरफ कैप्टन सब लोगों को बताता है कि हम लोगों ने शाओयान के पेरेंट्स को इन्फिल्ट्रेट कर दिया है, अब उनकी बॉडीज बिल्कुल सही है। जल्द से जल्द उस लड़की शाओयान को ढूंढो और ये कंफर्म करो कि डीमन स्नेक की रियल बॉडी उसके अंदर है भी या नहीं। वहीं पे हमें उसके पीछे एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से इन्फेक्ट हो चुका होता है। और फिर वहाँ पे सारे ही नाइट वॉच को एक मैसेज दे दिया जाता है और उन्हें बता दिया जाता है कि उन डीमन्स को मारने का बस एक ही तरीका है, उन्हें उन स्टूडेंट्स की बॉडी के साथ अलग करना होगा और फिर उन पर रिसोर्स के जरिए हमला करना होगा। अगर हम लोगों ने उन स्टूडेंट्स पर हमला किया और उन डीमन्स को उनकी बॉडी से बाहर ना निकाला तो वो स्टूडेंट्स भी उनके साथ मारे जाएंगे। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से रेस्ट्रिक्शन स्पेल का इस्तेमाल करते हुए उस पूरे के पूरे स्कूल को लॉक कर देते हैं ताकि कोई भी वहाँ से बाहर ना जा सके। और दूसरी तरफ फिर वो लोग उन लोगों को मारने का प्लान शुरू कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि लिनफी जैसे ही ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो अचानक एक ओल्ड मैन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, वो पूरी तरह से इन्फेक्ट होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है ली चेंग को भी अपने सामने कुछ इन्फेक्टेड स्नेक डीमंस दिखाई देते हैं और ऊपर से जोंग उन सब लोगों पर नजर रख रहा होता है। जिसे भी हेल्प की जरूरत होती है वो उसके लिए तैयार होता है और कैप्टन उनसे कहता है कि जितना जल्दी हो सके इनका सफाया कर दो। ये कहने के बाद ये मिशन शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ शाओनान कहता है कि मैंने गवर्नमेंट को इस सिचुएशन के बारे में पहले से ही बता दिया है, अगर हमें मदद की जरूरत होगी तो वो लोग हमारे लिए एक और टीम भेजेंगे। ये कहने के बाद वो लोग अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा उसी स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं और शाओनान कहता है कि क्या ये काम भी उसी एविल चर्च ने करवाया है? अगर वाकई में ये हमला उन्होंने ही करवाया है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो लोग लिनफी के पीछे पड़े हैं और वो लोग उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में कंफर्म करना चाहते हैं। हमें लिनफी को इस तरह के मिशन में खामखा इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। मगर कैप्टन कहता है कि लिनफी वो हमसे बिल्कुल अलग है, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल मौजूद है। हमें दिखाया जाता है कि लिनफी उस ओल्ड मैन को देखते ही फौरन से अपनी आइस पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी गन निकाल कर उस पर जैसे ही फायर करता है तो वो डीमन उसे डॉज कर रहा होता है और फौरन से लिनफी के पास आते ही उस पर पंजे से मार करने की कोशिश करता है। मगर लिनफी उसका हाथ रोकता है और एक बुलेट फायर कर देता है जिसकी वजह से
वो स्नेक बॉडी ह्यूमन बॉडी से अलग हो जाती है, जिसके बाद लिंफी अपनी सोट निकालता है और उस डीमन के दो टुकड़े कर देता है। इस तरह फिर उस पूरे के पूरे स्कूल के अंदर हलचल सी हो जाती है, क्योंकि वो सारे के सारे डीमन अपने रियल फॉर्म में आते जा रहे होते हैं। उन्हें अपने सामने जो भी बंदा दिखाई दे रहा था वो उस पर हमला करके उसे भी इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से पूरे स्कूल में भगदड़ सी मच जाती है। हर कोई यहाँ वहाँ भागने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ पे मौजूद जितने भी डीमन होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम दोबारा से ली चेंग को देखते हैं। वो उन डीमन्स की तरफ बढ़ते हुए अपनी गन बाहर निकाल लेता है और जैसे ही वो डीमन्स के करीब आ जाते हैं तो वो उन पर डीमन हंटिंग गन से फायर करता है और उन्हें ह्यूमन बॉडी से अलग करने के बाद अपनी सूट के साथ उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर बाकी डीमन्स भी हमला करने के लिए आते हैं तो ली चेंग अपनी स्किल्स के जरिए उनका भी काम तमाम कर देता है। कोई भी डीमन ऐसा नहीं होता जो कि उसे खरोंच तक पहुंचा पाता। उन्हें मारने के बाद वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये डीमन सिर्फ और सिर्फ हमारा ही इंतजार कर रहे थे। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है होंग जी और शाओ, वो लोग रूम नंबर 405 में उन लड़कियों का काम तमाम कर देते हैं जो कि इन्फेक्टेड थी। मगर वहाँ पर और भी बहुत सारे डीमंस आना शुरू हो जाते हैं जो कि उन्हें मारने के लिए आ रहे थे। मगर हम लोग देखते हैं कि शाओ नान फौरन से दोनों गन्स बाहर निकालती है और उन डीमंस को ह्यूमन बॉडी से अलग करती है और शाओ नान मौके का फायदा उठाते हुए अपने स्पीयर के जरिए उन स्नेक्स की छुट्टी कर देती है और एक एक करके उन्हें मारना शुरू कर देती है। इसी तरह वो दोनों ही एक टीम वर्क करते हुए बहुत ही आसानी के साथ उन डीमंस का सफाया कर देते हैं। मगर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो और भी बहुत सारे डीमंस आ रहे हैं जो कि पहले के मुकाबले में और भी ज्यादा हैं। वो लोग चारों तरफ से उन डीमन से घिर चुके होते हैं, जिस पर शाओनान कहती है कि ये लोग पहले के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही आ गए हैं, मगर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहने के बाद वो अपनी गन्स के साथ दोनों साइड से एक के बाद एक बंदे को शूट करती जा रही होती है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए होंग जी अपने स्पीयर के साथ एक जोरदार ब्लास्ट करती है, जिसकी वजह से वो उन सबको पीछे धकेल देती है और आगे जाते हुए उन डीमंस पर एक के बाद एक हमला करना शुरू कर देती है। उसके स्पीयर के सामने जो भी बंदा टकरा रहा होता है वो उसे टकराते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और दूसरी तरफ ली शाओ एक के बाद एक बुलेट के जरिए डीमंस को ह्यूमन से अलग करती जा रही होती है और होंग जी उससे कहती है कि तुम ठीक हो ना, तो ली शाओ कहती है तुम बेफिक्र हो जाओ। ये कहते ही होंग जी अपना स्पीयर एक बॉडी के अंदर घुसा देती है, जिसकी वजह से उस डीमन स्नेक का भी काम तमाम हो जाता है। मगर हम देखते हैं कि वो अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में थी और अपना गुस्सा निकालने के लिए वो अपने स्पीयर के जरिए एक जोरदार ब्लास्ट करती है। और इतने में हमें दिखाया जाता है कि लिंसी एक बंदे पर फायर करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो फायर उसे हिट नहीं कर रहे थे तो अचानक से ऊपर से जोंग उस पर एक बुलेट से हमला करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से डीमन स्नेक की बॉडी अलग हो जाती है और लिंफी सूट लेके उसका काम वही तमाम करके रख देता है। और मदद करने के लिए वो जोंग को थैंक्स भी कहता है और फिर वो लिंफी से कहता है कि मुझे कंफर्म करके बताओ कि ली शाओयान वो इन्फेक्टेड है या नहीं। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से भागते हुए ली शाओयान के रूम की तरफ चले जाते हैं। भागते भागते लिंफी को फील होता है कि वहाँ पर एक बड़ा सा रूम है जहाँ पर कोई ना कोई बंदा इन्फेक्टेड जरूर है। उस रूम में हमें दिखाया जाता है कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो दरवाजा बंद करने के लिए वहाँ पर कुर्सी टेबल और हर भारी चीज रख देते हैं ताकि कोई अंदर ना आ सके। और वहाँ पर एक ऐसा बंदा भी होता है जो कि उन स्नेक्स के बारे में कुछ पढ़ रहा होता है। और दूसरी तरफ वो लोग देखते हैं कि उन लोगों ने दरवाजा तो बंद कर दिया है मगर उनके पीछे एक इन्फेक्टेड बंदा मौजूद है। और इस तरफ यिफाई उस दरवाजे को लात मारकर खोलने की कोशिश करता है मगर वो स्टूडेंट उस दरवाजे को खोलने नहीं देते। ये देखते ही लिंसी फौरन से एक शीशा तोड़कर उसके अंदर से एक बड़ी सी कुल्हाड़ी बाहर निकालता है और उसी कुल्हाड़ी के साथ उस दरवाजे को आकर तोड़ने की कोशिश करता है, जिस पर अंदर से सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि उनका अपना ही एक दोस्त इन्फेक्टेड बंदा है। वहाँ पर एक नीचे लड़की पड़ी हुई होती है जो कि उसे देखकर कहती है कि प्लीज यहाँ से चले जाओ। ये देखते ही वो इन्फेक्टेड लड़का उस लड़की पर ही हमला करने की कोशिश करता है, मगर एक लड़का वहाँ पर आकर उस डीमन को लात मारकर दूर हटाता है, जिसके बाद वो डीमन अपनी स्ट्रेंथ के जरिए उस लड़के को वापस पीछे धकेल देता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का वहाँ का एक टीचर लग रहा था और वो डीमन जैसे उस पर हमला करने के लिए आता है तो ऊपर से जोंग उस पर एक बुलेट के जरिए जोर से हमला करता है, जिसकी वजह से वो स्नेक बॉडी ह्यूमन बॉडी से बाहर निकल आती है तो वो टीचर अपनी नाइफ के जरिए उसके ब्रेन पर हमला करता है, जिसकी वजह से वो डीमन बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और वहीं पर ही बेहाल होकर गिर पड़ता है। और हमें बताया जाता है कि ये टीचर असल में नाइट वॉच का ही एक मेंबर है। और इतने में फिर लिंफी भी अपने दोस्त के साथ वहाँ पर आ
पहुंचता है और वो लोग उस वॉरियर को देखते हैं, तो वो लोग भी काफी सरप्राइज होते हैं। और लिंफी उस डेमन स्नेक को देखता है कि वो अभी भी हल चल कर रहा है, तो वो फौरन से अपनी सोर्ड उसकी बॉडी के अंदर घुसा देता है, जिसकी वजह से उसका काम तमाम हो जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिंफी उसी टीचर के साथ फिर वहाँ से आगे की तरफ जा रहा होता है, और लिंफी उसी टीचर से कहता है कि अगर तुमने उस डेमन को मारा ना होता तो शायद वो उन सब लोगों को खत्म कर देता। मगर वो टीचर कहता है कि मैंने डायरेक्टली उसके ब्रेन पे वार किया था कि उसका पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम ही डैमेज हो जाए। और वो लिंफी को फिर बायोलॉजिकल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता है कि वो जिस भी डीमन पर हमला करेगा वो डीमन दोबारा से अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाएगा। और जी फाई फिर लिंफी से कहता है कि मैंने इस लड़के के बारे में सुना है, ये असल में बायोलॉजी में मास्टर्स कर रहा है। मगर फिर वो टीचर कहता है कि नहीं, मैं PhD कर रहा हूँ। और फिर वो लिंफी से कहता है कि मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ, तुम लिंफी हो। ये सुनकर लिंफी उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो। तो वो टीचर उसे बताता है कि कुछ देर पहले प्ले ग्राउंड में तुम सबकी आंखों का तारा बने हुए थे, क्योंकि तुम किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे और सब लोग तुम्हें ही घूर रहे थे। इतने में एक रूम के अंदर से कुछ डीमर्स बाहर निकल आते हैं, उन्हें देखते ही लिंफी उन पर बुलेट से हमला करता है, तो वो बुलेट उनकी बॉडी के आर पार निकल जा रही होती है, मगर उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये देखते ही वो मास्टर लिंफी से कहता है कि 250 एंगल से हमला करो। ये कहने के बाद वो उसके हाथ को पकड़ कर सीधा बुलेट पर हमला करता है, तो वो बुलेट सीधा जाकर उन्हें हिट करती है। ये देखते ही लिंफी फौरन से अपनी सूट लेके आगे बढ़ता है, और दूसरी तरफ से वो टीचर उस गन के साथ बाकी लोगों को भी निशाना बनाता है, और लिंफी इसी मौके का फायदा उठाते हुए अपनी सूट के जरिए उन्हें काट कर उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो लिंफी के स्किल्स देख कर वहाँ पे मौजूद सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल हैरान खड़े होते हैं, उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता कि कुछ दिन पहले जो लड़का देख नहीं पाता था वो आज इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि वो उन सब लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है। मगर वहीं पे हमें उस टीचर को दिखाया जाता है जो कि अपने कुछ कैलकुलेशंस करना शुरू कर देता है। वो उस गन की तरफ देखता है और उसके हर एक पार्ट को अच्छे तरीके से एनालाइज करता है, और उसके फंक्शन को समझने के बाद वो उसे दोबारा से असेंबल कर देता है और उसी गन के साथ फिर एक फायर करता है। वो बुलेट लिंफी के फेस के बिल्कुल पास से होके गुजरती है, और लिंफी फिर अपनी सोर्ड निकाल कर अपने पीछे मौजूद एक मॉन्स्टर का खात्मा कर देता है। और फिर वो टीचर लिंफी से कहता है कि ये सारे नंदूरा स्नेक हैं, अगर ये दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं तो यूँ समझ लो कि ये दुनिया कोई सिंपल दुनिया नहीं है। तो लिंफी उससे कहता है कि अच्छा, ये डीमन इतने टाइम से यहाँ पे मौजूद है, तो फिर हमें इनके बारे में पता क्यों नहीं चला। तो वो टीचर कहता है कि क्योंकि कोई है जो कि हमें इन डीमन से बचाता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम इन डीमन से घिरे हुए हैं। वो लोग बातें करते करते उन डीमन को भी मार रहे होते हैं, और कुछ ही देर के अंदर सारे ये डीमन मर चुके होते हैं, जिसके बाद लिंफी उससे कहता है कि वाकई में तुम्हें तो डीमन से डर नहीं लगता। जिस पर वो टीचर कहता है कि डीमन से डरना वो क्यों, मुझे तो इन डीमन्स में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है। इसके बाद हमें उस बंदे के पीछे एक और डीमन को दिखाया जाता है। लिंफी फौरन से अपनी सूट लेता है और एक पिलर के सहारे घूमकर उस टीचर के पीछे आने वाले उस डीमन स्नेक को काट कर रख देता है। ये देखकर अब उस टीचर को थोड़ा सा डर लगने लगा था, और हमें दिखाया जाता है कि वो टीचर उन डीमन्स को देखकर कहता है कि मैं हमेशा से अच्छा देखना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि शायद इन डीमन्स के ब्रेन सेल्स और टिश्यूज मेरे बहुत काम आने वाले हैं। मगर लिंफी उससे कहता है कि एक्सक्यूज मी, जरा मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये कहने के बाद फिर वो टीचर फौरन से अपनी गन निकाल कर उन डीमन्स पर फायर करना शुरू कर देता है, और दूसरी तरफ लिंफी उन डीमन स्नेक पर अपनी सोर्ड के जरिए हमला करते हुए उनके काट कर टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर देता है। वो लोग कुछ ही देर के अंदर पूरे के पूरे एक फ्लोर को खाली कर देते हैं, और फिर वहाँ पे हमें ली जेंग को दिखाया जाता है जो कि उस मैजिक बेल का इस्तेमाल करते हुए उन सारे स्टूडेंट्स की मेमोरीज को इरेज कर देता है। उन लोगों ने यहाँ पे जितने भी डीमन्स देखे होते हैं उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा कि यहाँ पे कुछ हुआ भी था या उन्होंने कोई डीमन देखा था। और इस तरह फिर होंग जी भी कहती है कि हमने भी यहाँ पे सबका सफाया कर दिया है। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो लोग शाओ यान को ढूंढने के लिए ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जहाँ एक डीमन उनके बेहद करीब आ गया था, और वो टीचर उस पर वक्त रहते ही फायर कर देता है, और लिंफी अपनी सोट के जरिए उस पर हमला करके उसे भी काट देता है। और ऊपर से जोंग बताता है कि शाओ यान वो जरूर इस वक्त म्यूजिक क्लासरूम में होगी। तो लिंफी उस टीचर के साथ रास्ते में आने वाले सारे डीमन को मारते हुए सीधा उस म्यूजिक क्लास की तरफ जाने लगता है।
मगर जाते जाते अचानक वो टीचर लिंसी से कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सारे के सारे डीमंस तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। जिस पर लिंसी कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो वो टीचर कहता है मुझे तुम बता सकते हो कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या प्लान करके आए हो। ये कहने के बाद वो लोग एक रूम के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और लिंसी अपनी आई पावर का इस्तेमाल करते हुए अंदर की तरफ देखने की कोशिश करता है कि वहाँ पर कौन कौन है। उसकी आईज देखती है कि उस रूम में तो कोई भी डीमन मौजूद नहीं है बल्कि 5 लड़कियां बैठी हुई हैं। जिसके बाद वो टीम लीडर से कहता है कि शावयान वो इन्फेक्टेड नहीं है। मगर वहीं पे ही हमें उस टीचर को दिखाया जाता है, वो एक लड़के के ब्रेन को स्कैन करने की कोशिश कर रहा था। उसे दिखाई देता है कि उसके ब्रेन के अंदर डीमन स्नेक के सिम्टम्स मौजूद हैं। तो लिंसी उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है और आकर कहता है कि यहाँ पे मौजूद जितनी भी लड़कियां हैं बाहर जा सकती हैं सिवाय ली शावयान के। ये सुनकर वो सब लोग वहीं पे ही बैठी रहती हैं। मगर जी फाई आता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि सब लोग यहाँ से भागो और ये सिर्फ ली शावयान को यहाँ पे छोड़ दो। तो हम देखते हैं कि वो सारे की सारी लड़कियां वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं और एक लड़की जी फाई के पीछे छुपने की कोशिश करती है। और इस तरफ शावयान वो बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। वो जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो टीचर अचानक उस पर एक फायर कर देता है जिसकी वजह से वो लड़की वहीं पे ही बेहोश हो जाती है। ये देखकर लिंसी कहता है कि पता नहीं टीम लीडर इस लड़की के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, मुझे इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। और वहीं पे ही हम लोग उस कैप्टन को देखते हैं, वो वहाँ पर एक अलग ही जगह पहुँच गया था। उसके सामने एक बॉक्स होता है जिसे वो घूर कर देखते हुए कहता है कि ज्यादातर डीमन स्नेक अपने होस्ट को इस तरह छोड़कर जाती नहीं है, तुम लोग उन सबको सिक्योर करने के लिए फौरन वहाँ से बाहर ले जाओ। और फिर जी फाई कहता है कि ये लड़की डीमन है, मैंने खुद इसे डीमन में कन्वर्ट होते हुए देखा था। मगर लिंसी उसकी बात नहीं मानता और उस लड़की को उठाकर वहाँ से बाहर ले जा रहा होता है। और इतने में हम देखते हैं कि जी फाई के पीछे एक डीमन स्नेक आ जाता है और उस पे जैसे ही हमला करता है तो वो उसका एक पूरा का पूरा हाथ ही उखाड़ देता है। और फिर हमें पता चलता है कि असल में उस डीमन स्नेक की रियल बॉडी यही है। और इस तरफ जी फाई अपने हाथ को इस तरह देखकर बहुत ही जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। इस तरफ वो टीचर फौरन से अपना एक नाइफ निकाल कर सीधा उस स्नेक के ब्रेन के अंदर घुसा देता है। मगर वो स्नेक उसे वहाँ से पकड़कर दूर फेंक देती है। जिसके बाद फिर लिंसी अपनी सोर्ड लेके उसे मारने की कोशिश करता है और हमें दिखाया जाता है कि उस मास्टर ने उसकी बॉडी के अंदर से एक ब्लड ड्रॉप को बाहर निकाल लिया होता है और वो उसे फौरन से एनालाइज करना शुरू करता है, जिसके जरिए उसे पता चलता है कि उस डीमन स्नेक की बॉडी किस तरह बनी हुई है। वो उसके डीएनए को पूरी तरह से एनालाइज करते हुए उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही बना देता है और उसकी एबिलिटी के बारे में भी जान जाता है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि नांडोरा स्नेक अपने विजन्स को शेयर कर सकता है। और लिंसी ने उस डीमन स्नेक की विजन बॉडी को देखा होगा जिसे उसने मारा है। मगर वो स्नेक गर्ल अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देती है जिसकी वजह से उसे ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इस तरह लिंसी उस स्नेक गर्ल को मारने की कोशिश करता है मगर उसकी सोर्ड उसका शेल नहीं तोड़ पाती, जिसकी वजह से वो स्नेक गर्ल फिर लिंसी को भी वहाँ से उठाकर दूर फेंक देती है। ये देखते ही लिंसी फौरन से कैप्टन को इन्फॉर्म करता है और कहता है कि नांडोरा स्नेक अपीयर हो चुकी है, हम लोग उससे फाइट कर रहे हैं मगर ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और वहीं पे ही हमें शहर के अंदर कुछ लोगों को दिखाया जाता है, वहाँ पर एक बंदा एक इन्फेक्टेड पर्सन से टकरा जाता है जिसका मतलब ये है कि ये इन्फेक्शन अब शहर से बाहर निकल चुका है। और फिर वहाँ पर उस इन्फेक्टेड बंदे की वजह से पूरा सिस्टम डामाडोल हो जाता है, लोगों के एक्सीडेंट्स होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि वहाँ पर चेस खेलने वाले एक ओल्ड मैन के अंदर भी वो विजन ट्रांसफर हो चुका होता है। ये देखते ही कैप्टन फौरन से अपने साथियों से कहता है कि उस डीमन स्नेक ने कुराना सिटी में लोगों को मारना शुरू कर दिया है, हम लोगों को उस स्नेक के ट्रू फॉर्म को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, उसी से ही उसका ये विजन फौरन से खत्म हो जाएगा। ये कहने के बाद लिंसी अपनी सोर्ड के जरिए उसे काटने की कोशिश करता है मगर उससे कोई फायदा नहीं होता। ये देखने के बाद ऊपर से जोंग अपनी बुलेट के जरिए उस पे हमला करता है मगर वो शील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग था जिसकी वजह से उस डीमन को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और लिंसी जैसे उस पे अपनी सोर्ड से हमला करता है तो वो डीमन इस मतलब उस सोर्ड को अपने मुंह से ही रोक लेती है। ये देखते ही लिंसी फिर अपने दोनों हाथों से उसे पीछे की तरफ पुश करता है और फौरन से अपनी नाइट पावर को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से वो नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है और उसकी स्पीड भी काफी बढ़ जाती है। वो डीमन स्नेक के पास जाते हैं, उस पर बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ एक के बाद एक सोर्ड अटैक करना शुरू कर देता है। और ऊपर से जोंग जैसे ही बुलेट फायर करता है तो लिंसी अपनी सोर्ड के जरिए उस बुलेट के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है जो कि सीधा जाकर उस डीमन को हिट करते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लिंसी अपनी एंजल पावर को एक्टिवेट करता है और उस एंजल पावर की मदद से वो एक जोरदार सोर्ड अटैक करता है जिसके जरिए
वो उस डीमन की बॉडी के दो टुकड़े करके रख देता है। इस तरह वो डीमन पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और फिर लिशाओ अपने कैप्टन को इन्फॉर्म करती है और बताती है कि हम लोगों ने उस रियल बॉडी को खत्म कर दिया है। तो कैप्टन सबसे कहता है कि जितने स्टूडेंट जख्मी हो चुके हैं उन्हें रिकवर करने की कोशिश करो, मगर लिशाओ देखती है कि वो टीचर वहीं पे ही खड़ा हुआ है। वो उसके पास जाकर उससे कहती है कि हेलो, क्या तुम बात सुन रहे हो? मगर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में होता है और वो कहता है कि वो डीमन स्नेक अपने विजन को शेयर कर सकती है। इसका मतलब ये है कि वो हमारी आंखों को धोखा देकर कहीं से भी भाग कर जान बचा सकती है। और इतने में अचानक उसे जी5 पर शक होता है और वो कहता है कि ये लड़का जरूर कुछ छुपा रहा है, यानी कि वो डीमन स्नेक शुरू से ही हमें बेवकूफ बना रही थी। वो उन लोगों से कहता है कि फाइनली मैंने सारी सिचुएशन को समझ लिया है। लेकिन के बाद वो लिंसी की तरफ अपनी गन सीधी करता है और जैसे ही फायर करता है तो वो बुलेट सीधा जाकर जी5 को हिट करती है, जिसकी वजह से लिंसी भी काफी सरप्राइज होता है। और फिर देखते ही देखते जी5 को बहुत ज्यादा सर में दर्द होने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से वो जायंट डीमन स्नेक गर्ल बाहर निकल आती है और आते साथ ही उस टीचर से कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी रियल बॉडी यहाँ पे है? तो वो टीचर कहता है कि ये बहुत ही सिंपल है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।